एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बाबर गौरी कानून नाफिज करने वाले इदारों को कई मुकदमात में मतलूब हैं, ज़राए ऐसा बता रहे हैं। बाबर गौरी बैरून मुल्क से वतन वापस पहुंचे थे और इस दौरान उन्हें हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे नवीद कमाल से। जी नवीद, बताइएगा कि बाबर गौरी को हिरासत में ले लिया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एमकेएम के रहनुमा वजीर भी हैं, इनको गिरफ्तार करने के जब ये अमरीका से वतन वापस पहुंचे। पुलिस के साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे जिन्होंने जहाज से ही हिरासत में ले लिया। बाबर गौरी को जो है हिरासत में लेने के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। 23 जून को इन्होंने जो है हाईकोर्ट से दो मुकदमात में जमानतें ली थी, जिसके बाद इनको 14 रोज की हिफाजती जमानत मिल गई थी। 5 जुलाई तक ये जमानत पर थे, अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन्हें किसी और मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और जल्द इसकी जो है तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बाबर गौरी के खिलाफ मैन में रेफरेंस भी था, गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमात भी थे और इसके अलावा दीगर मुकदमा भी थे जो इनके खिलाफ जेर इल्तवा थे। दो मुकदमात में इन्होंने जमानत हासिल की थी और जिसमें ये 5 जुलाई तक जो है जमानत पर थे और आज जैसे ही ये वतन वापस पहुंचे और इनके जहाज में लैंड किया तो कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उन्होंने इसे जो है जहाज से ही जो है हिरासत में ले लिया। कई मुकदमा जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, आपको एक बार फिर बताएं इस हवाले से कि एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया।